नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संजू भट्ट मुआनी में। तो दोस्तों, करीब सुबह के 7 बजे हुए हैं और मैं अभी हूँ मॉर्निंग टाइम पे अपने गांव के जो धारा है धारा, तो उस धारे में गया हूँ और मैंने सोचा कि आज आपको भी अपने गांव का ये धारा दिखा दूं अपने वीडियो के माध्यम से, और थोड़ा सा इस धारे के बारे में बता दूं कि इस धारे का जो पानी होता है कितना सुंदर और ठंडा पानी, और जैसे कि पीने में बहुत ही स्वादिष्ट पानी। तो मैं इस धारे के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो ये वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाली है। और मैं आपको अपने उत्तराखंड देवभूमि के जो प्रसिद्ध स्रोत, पानी के स्रोत हैं, तो उन स्रोतों के बारे में आज ये वीडियो शूट करना चाह रहा हूँ। और मैं अपने गांव के इस धारे के बारे में कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखें, ये मेरे गाँव का एक धारा यहाँ पर है और जहाँ से मैं पानी पीने के लिए ले जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे धारा, और ये धारा मैं आपको बता दूँ, इस धारे का जो पानी है बहुत ही शुद्ध एवं स्वादिष्ट पानी। तो दोस्तों देखिए, इसका जो स्रोत है, तो ये स्रोत मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक पेड़ है, देखिए ये पेड़, इस पेड़ से ये जो पानी है, ये पानी यहाँ से निकलता है और यहाँ से इस नल द्वारा ये पानी यहाँ पे, देखिए धारा, और मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस धारे के बारे में आपको बता दूं कि ये धारा बहुत पहले, मतलब कि पुराने ज़माने से यहाँ पे है, और इस धारे से हमारे गांव के काफ़ी लोग पानी पीते हैं। और तो दोस्तों, इस धारे की विशेष विशेषता मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस धारे का जो विशेषता है कि जैसे जब ठंडी के दिन आते हैं तो इस धारे में पानी की जो ये पानी है, ये पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है, और जब गर्मी के दिन आते हैं तो ये पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, और इसी के ठीक सामने पे अच्छा सा लोकेशन भी है, और देखिए यहाँ पे जो बांस के भी वृक्ष हैं, और सुंदर सा जो पहाड़ का लोकेशन है, तो बहुत सुंदर लोकेशन। और ये धारा देखिए, तो दोस्तों अभी मैं करीब सुबह के 7 बजे हुए हैं और मैं अभी यहाँ पे अपने धारे में और अपने गांव के इस धारे में अभी मैं पानी भरने के लिए आया था। देखिए मेरे यहाँ पे ठीक सामने के तांबे का जो, इसको हम पहाड़ी भाषा में फौला बोलते हैं, और तांबे का जो ये बर्तन है, इस बर्तन में अभी मैं पानी भरने के लिए यहाँ पे आया था। मैंने सोचा कि आज एक वीडियो यहाँ पे धारे की भी शूट की जाए और सभी मेरे प्यारे दर्शकों को ये वीडियो दिखाई जाए, क्योंकि जो हमारे ये उत्तराखंड के जो ये धारे हैं, तो ये धीरे धीरे विलुप्त भी होने की कगार में है, लेकिन हमारे जो गांव में ये जो धारा है, इस धारे को काफ़ी साल हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने देखा तो ये धारा पहले से था और अभी भी है, और आगे भी आशा है कि रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये पानी का स्रोत है, ये स्रोत, मतलब इस स्रोत में इतना ही पानी पहले भी आता था और अभी भी है। और देखिए, ऐसे ऐसे जो उत्तराखंड के जो देवभूमि के ये जो पुरानी यादगार चीज़ें हैं, ये चीज़ें विलुप्त होने की कगार में कई जगह हैं, लेकिन अभी जो कई जगह यहाँ पे हैं, तो देखिए अभी भी हैं ये चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आज दिखाया जाए, और मैंने तभी ये वीडियो शूट की। तो दोस्तों देखिए, इसी के ठीक सामने पे देखिए सुंदर सा लोकेशन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अभी तक बने रहे। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।